साल 2005 में आई फिल्म नो एंट्री दर्शकों को गुदगुदाने में खूब सफल हुई थी। अब कई सालों के बाद नो एंट्री का सीक्वल बनने जा रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की नो एंट्री को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब मेकर्स ने ऑफिशियली ऐलान करते हुए मुहर लगा दी है कि नो एंट्री जल्द ही दस्तक देगी। हाल में ही फिल्म डायरेक्टर अनीस बज्मी ने एक इंटरव्यू में नो एंट्री के सीक्वल पर हामी भरी। उन्होंने फैंस की तमाम एक्साइटमेंट को लेकर साफ कर दिया कि वो जरूर नो एंट्री का सीक्वल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि वो फिल्म के सिलसिले में कई बार सलमान खान से मिल चुके हैं, भाईजान भी इस फिल्म को लेकर काफी सीरियस हैं, नो एंट्री की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि एक बार फिल्म नो एंट्री सीक्वल में सलमान खान के साथ फरदीन खान और अनिल कपूर भी नजर आएंगे। इसकी फीमेल कास्ट का फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। नो एंट्री में लारा दत्ता, सेलिना जेटली के साथ बिपाशा बसु नजर आई थी। हालांकि इन एक्ट्रेस को एक बार फिर इसके सीक्वल में नजर मिलेगी ये साफ नहीं है। सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान तीनों दोस्त की भूमिका में नजर आए थे। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। साल 2005 में जब ये फिल्म आई थी तो ये 600 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 74 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।